चुनाव के नतीजे सामने हैं और मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर 10 साल से सत्ता से बाहर बैठे लोग जो 100 सीट भी नहीं जीत पाए हैं वो बस इस बात से खुश हैं कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर, ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। अब नंबर्स आपके सामने हैं, सबने अपनी स्टोरी पर यूपी बेवफा है, मेरी एक्स यूपी से थी तभी चली गई, ये सब लगा रखा है, पर मैं इस चुनाव के उस पहलू पे आपका ध्यान ले जाता हूं जिसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा। तीसरी बार कोई भी सरकार अपनी सत्ता दोहराए ये बहुत ही मुश्किल होता है। कभी शायद यूएस, जहां पे हम बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं जिस देश से, वहां के प्रेसिडेंट सिर्फ दो ही कार्यकाल पूरा करते हैं, जिसमें भी डोनाल्ड ट्रंप पहले ही 5 साल में आउट हो गए थे, पर बीजेपी ने 2019 से 2024 में 200 से ज्यादा सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा है, यानी रिटेंशन रेट ऑफ 68%। पर आई डोंट केयर यार, नंबर कम है, यूपी बेवफा सनम है, क्या मतलब मैं खुद वोट देने नहीं गया था, गर्मी बहुत थी ना। बीजेपी ने इस बार अपने उत्तर के गढ़ से अपनी सीमाएं बढ़ाते हुए दक्षिण के ऊपर कुछ ज्यादा जोर दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें कांग्रेस से 3 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। यहां तक कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गढ़ केरल, जहां आजादी के बाद से आज तक भाजपा ने अपना खाता तक नहीं खोला था, वहां इस चुनाव में उसने केरल में भी अपनी विजय दर्ज की। जो राज्य जहां महिलाओं की पॉपुलेशन पुरुषों से ज्यादा है, उन 22 में से 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है, बस बेशर्ते वो महिलाएं ये नहीं थी जिन्हें चुनाव प्रचार के पैम्पलेट में 1 लाख रुपए दिखाई दे रहे थे। अब मोदी जी का चार्म ही कुछ ऐसा है, फीमेल फॉलोइंग देश से विदेश तक काफी फैली है। पर नहीं, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई, कैसे चली गई, क्योंकि वो यूपी से थी, ये आपके मन पर इतना घारी घाव करके बैठा है कि आप 24 साल के बाद उड़ीसा में 20 सीट से पूर्ण बहुमत नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको गुजरात, मध्य प्रदेश और यहां तक कि दिल्ली में भगवा लहराता हुआ नहीं देखने दे रही है, वो इसका जश्न आपको नहीं मनाने दे रही है। मुझे पता है कि कामयाबी का बार इतना ऊंचा सेट कर दिया गया था कि ये जीत मुझे और आपको छोटी लग रही है, पर मोदी जी ऐसे ही एक अकेले सब पर भारी थोड़े ना है, तो जो अपनी हार पर भी खुश हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं 100 सीटें उसे कम पाकर भी, उन्हें जश्न मनाने दीजिए, सरकार तो मोदी जी ही बना रहे हैं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है।